गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज क्लास सिक्स्थ एंड सोशल साइंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी मतलब एकता और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। तो विभिन्नता में एकता मतलब जो अलग अलग होते हैं फिर भी एक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। लेट्स सिंग अ सॉन्ग टाइटल हिंद देश का निवासी हूँ। सो ये सॉन्ग आप सर्च करना, हिंद देश का निवासी हूँ, एंड लिसन इट एंड सॉन्ग इट, सिंग द सॉन्ग। लुक अराउंड योर नेबरहुड, कैन यू फाइंड अ फ्रेंड हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? इवन इन योर क्लासमेट्स आर नॉट जस्ट डिफरेंट इन अपियरेंस बट इन सो मेनी अदर वेज। Their religion, lifestyle, food habits, language, festival, customs and traditions are quite different from each other. It is this diversity which makes our life interesting, joyful and prosperous. So, आप अपने आसपास देखोगे अलग अलग टाइप के लोग बसते हैं, उनका खाना पीना रहना कपड़े लैंग्वेजेस सब के अलग अलग होंगे, आपने देखा होगा। In cities, the variation can be seen apparently, but in villages also we can see. सबका खाना अलग अलग होता है, कोई अलग अलग टाइप के कपड़े अलग अलग होते हैं, बोलियां अलग अलग होती हैं अगर बड़ा गांव है तो। Here is the picture. आप ये पिक्चर है और इसको यहाँ बनाओ, वैसा बना पाते हो देख लेना। और यहाँ पे फिल अप द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल्स, ये टेबल्स हैं, इसमें आप फिल अप इंफॉर्मेशन देखना है। द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स, यहाँ स्टेट्स हैं, यहाँ लैंग्वेज है, यहाँ डांस है, यहाँ फेस्टिवल है, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनलिटी, नेशनल सील एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो गुजरात है, इसकी लैंग्वेज गुजराती होती है, डांस गरबा है, फेस्टिवल नवरात्रि है, नेशनल एंथम सबका एक आएगा, पांचों का, जन गण मन। नेशनल फ्लैग झंडा है सबका एक है, ट्राइकलर। नेशनलिटी में सब इंडियन हैं। नेशनल सील सबका एक ही है, अशोक स्तंभ। पिलर्स बिल्ट बाय किंग अशोका एट सारनाथ। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सभी का, पूरे इंडिया का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महाराष्ट्र में क्या है, लैंग्वेज मराठी है, डांस कोली डांस है, फेस्टिवल गणेश चतुर्थी है, बाकी सब सेम है सभी में। राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज है, घूमर डांस है, होली फेस्टिवल है। पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, भांगड़ा डांस है और बैशाखी फेस्टिवल है। बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज है, गरबा डांस है, दुर्गा पूजा है, वो फेस्टिवल है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन फील इन द टेबल, आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और राज्यों में और प्रदेशों में क्या क्या है। फिर यहाँ पे सबके उत्सव हैं, फेस्टिवल्स दिए गए हैं। हिंदूस में कौन से हैं आप सब जानते हो, हिंदूस के तो बहुत सारे त्योहार हैं। मैंने यहाँ उत्तरायण, होली, रामनवमी लिखा है, बाकी आप दशहरा लिख सकते हो, रक्षाबंधन लिख सकते हो, शीतला सातम लिख सकते हो, एंड मैनी मोर आप लिख सकते हो। मुस्लिम्स में क्या है, बकरी ईद, मुहर्रम, ईद उल फित्र। क्रिश्चियंस में क्रिसमस है, जैन्स में महावीर जयंती है, बुद्धिस्ट जो है बुद्ध पूर्णिमा है, पारसीस में नवरोज है, और हमारे तो त्योहार 20-25 हो जाएंगे, ऐसे हो सकता है। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। इंडियंस लिव हैप्पीली टुगेदर डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस इन कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, बिलीफ्स एंड कस्टम्स। देखो इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया में हजारों कास्ट हैं, जातियां हैं, लैंग्वेज भी हजारों हैं,
रीजन एरियाज अलग अलग बहुत अलग होते हैं, आसाम से लेकर कच्छ लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और रिलीजियस बिलीफ सबकी अलग अलग हैं, रिलीजन अलग हैं, उनके सेक्ट्स संप्रदाय अलग अलग हैं, उनके देवी देवता कितने हैं, उनके जो यहाँ पे स्थानीय जो त्योहार होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, वो अलग होते हैं, और कस्टम्स रीति रिवाज अलग होते हैं, फिर भी सब एक हैं। इवन दो देर इज डाइवर्सिटी इन आवर कल्चर, वी रिमेन यूनाइटेड। हमारे कल्चर में अलग है मगर यूनाइटेड हैं। दिस इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वी हैव अडॉप्टेड वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन करेंसी फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। एन इंडियन सिटीजन वेदर ही इज फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम केरला इज प्राउड टू बी एन इंडियन एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी वैल्यू अवर नेशनल इंटेग्रिटी। इफ यू आर नॉट बुक नोट डाउन द नेशनल सिम्बॉल्स विच एक्सप्रेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री। India's strength lies in its unity in diversity. During the British rule, Indians united to fight together in the freedom struggle, despite their differences in religion, language and movement and region. People of different communities came together gathered to participate in the freedom movement. Indians unitedly opposed the British rule, protested against them through different ways, and also went to jail several times. The British thought that it would be easy to divide and rule over Indians because of their diversity, but the Indians proved that even though they are different from each other, they are united and stand as one against the British rule. This has proved that our freedom fighters had immense patriotism. देखो ब्रिटिश रूल के सामने भी हैं इंडियंस इतने अलग अलग पहले से ही, फिर भी लड़े थे और उनको उनसे आजादी ली थी। हम हमारी क्रिकेट टीम को चाहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी वो यूनिटी का प्रतीक है। Our national flag, national anthem, national song and national symbols were conceptualized during the freedom struggle. Our national song and flag maintained our trust in our unity and integrity despite our diversity. The flag was used all over India as a symbol of our unity against the British rule. The feeling of nationalism and patriotism is important to achieve the pride, prosperity and glory that we had in the past. देखो हमारे जो national symbols हैं, flag हो and anthem हो, coin और currency हो, ये सब हमारी unity को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, demonstrate करते हैं, और ये सब हैं during द फ्रीडम फाइटिंग सब इमर्ज हुए हैं और कंसेप्चुअलाइज हुए हैं और सब मिलके देश का प्रतीक बने हैं। लेट्स सिंग द सॉन्ग टुगेदर, ये सॉन्ग आप गा सकते हो। रंग रंगीला फूल अमेसव, रंग रंगीला फूल भारत माने खोले खिलता, रंग रंगीला फूल अमेसव। देश देश ना तेज वायु जिली, सदा संपी ने साथे सौ खिली, विविध वेशवाणी टॉय एकना, विविध वेशवाणी टॉय एक एकज मानव कुल, अमे सौ अमे अगे कदम सदा भरिए, कदीक पड़िए कदीक आखणिए तोय उभा थईए, पग मांडीने मंजिल सुधारी लईए भूल अमे सौ, विश्व आखू कुटुंब छे अमारू, जागे
गुमवानु लागे सोने प्यारू, जग जागे गुमवानु लागे सोने प्यारू, संग गीत ललकारिये सुरीला मंजुल अमे सब। सो दिस इज द गुजराती सॉन्ग विच इज सेज अबाउट यूनिटी। हमारा देश भारत है वो एक है, इसमें जितने भी चाहे रिलीजन हो या लोग बसते हों, सबको इंडिया एज अ वन कंट्री रहना चाहिए और मानते हैं, और वन ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वन करेंसी है, वन फ्लैग है, नेशनल सिंबल्स एक एक हैं। हम डाइवर्सिटी हैं मगर वो लोकली लेवल पे, मगर आखिरकार हम सब इंडियंस हैं। गुड बाय।